सुली ने बताया कि उसने चारों के चारों बिजनेस पार्टनर से कांटेक्ट करके पूछ भी लिया था कि सब कुछ अच्छे से हो गया है और उन लोगों ने पॉजिटिव आंसर ही दिया था, तो फिर सुली ने मान लिया कि सब कुछ अच्छे से हो गया होगा। पर अभी सुइंग उसे बताता है कि भाई शिन्यू ने कोई भी काम अच्छे से नहीं किया। उसने उस तीनों बिजनेस पार्टनर को सिर्फ 5-5 लाख युआन दिए और वो सारे हाउस बेच दिए। ये सुन के शाओलिन तो शॉक्ड रह गया कि भाई आप श्योर हो क्या आपने ग्यू भाई से कांटेक्ट किया? सुइंग कहता है साफ बात है, अगर अभी मैं उसे कॉल करूंगा तो बस यही पता चलेगा कि वो भाग गया है। और वो आगे बढ़ता हुआ कहता है कि अभी बस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें इन्वॉल्व थे? शाओलिन कहता है भाई हम फैमिली है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सुइंग को उस पर शक तो हो रहा था, पर उसने उसका भरोसा करके फिर बाई शिन्यू को फोन लगाया, पर वो उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। तो फिर उसने बाई शिन्यू की मॉम जो उसकी आंटी है उसे फोन लगाया और कहा कि आंटी मैं बाई शिन्यू से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ पे है? बाई शिन्यू की मॉम बताती है कि वो तो अभी ऑस्ट्रेलिया गया है अपनी आंटी के घर। और वो बहुत ही खुश थी कि बाई शिन्यू अब अच्छे से काम करने लगा है और बहुत सारे पैसे बनाने लगा है, और वो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि सुइंग की वजह से उसका बेटा इतना आगे बढ़ गया। सुइंग को जैसा लग रहा था बाई शिन्यू सच में भाग गया है। उसने बाई शिन्यू की मॉम से उसका नंबर मांगा कि अभी वो कौन सा नंबर यूज कर रहा है, और सुइंग ने उसके बेटे ने जो कांड किया है वो अपनी आंटी को नहीं बताया क्योंकि उसे अपनी आंटी की चिंता है कि वो बहुत ही कमजोर दिल की है, ये उसके लिए बहुत ही शॉकिंग बात रह सकती है। फिर वो शाओलिन की ओर गुस्से से देख के कहता है कि मैं इस मामले के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा, यहाँ से बाहर जाने के बाद किसी को कुछ भी मत बताना। शाओलिन डरते हुए हाँ में सर हिलाता है और सुइंग कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम बाई शिन्यू के साथ मिलके मेरी पीठ पीछे ये कांड कर रहे थे तो फिर जियान सुलिन मैं तुम्हें जियान फैमिली से हमेशा के लिए निकलवा दूंगा। फिर शाओलिन के जाने के बाद वो स्मोकिंग करते हुए सोच रहा था कि आजकल बहुत सारी मुसीबतें आ रही है, पहले लियू के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया और अब मेरे ही कजिन ने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। अब मुझे उन तीनों बिजनेस पार्टनर्स को हाइनान में जो मैंने नया होटल अपार्टमेंट बनवाया है उसमें से 3 फ्लैट देने पड़ेंगे। वो 3 फ्लैट और बाई शिन्यू ने जो 3 हाउस बेच दिए है वो सारा मिला के तो मेरा 10 मिलियन से भी ज्यादा लॉस हो गया। अगर मुझे बाई शिन्यू मिल गया तो फिर मैं उसकी ऐसे धुलाई करूंगा कि वो 3 महीने तक उठ ही नहीं पाएगा। फिर उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो कंपनी में नहीं जा पा रहा था और सेक्रेटरी उसकी देखभाल कर रही थी, पर सुइंग ने उसे भी कह दिया कि अब से तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, मैं दवाइयाँ लेके आराम कर लूंगा। ज्यादा गुस्सा करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो काफी सालों से बिजनेस कर रहा है और काफी मुश्किलों से भी गुजरा है, लेकिन ये पहली बार था कि कोई रिलेटिव उसके साथ कांड कर गया। वो सोचता है कि लेकिन फिर भी इन सब की वजह से एक चीज तो अच्छी हुई, मुझे लियू को मिस करने का जरा सा भी टाइम नहीं मिला। मतलब कि वो हर बार लियू के बारे में सोचता रहता था, वो उसे भूल नहीं पा रहा था, लेकिन इन सब की वजह से वो उसे भूल गया। फिर वो 1 हफ्ते के बाद कंपनी में गया और सोच रहा था कि बहुत सारा काम पड़ा होगा, तभी उसने वहाँ पे लियू को देखा जो किसी से फोन पे बात कर रहा था।